नाजरीन आदाब, में हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज। नाजरीन मुमताज मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल एवॉर्ड फंक्शन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत सदर ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन मिस्टर शेख रहमत अली ने की। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल एवॉर्ड फंक्शन को मुखातिब करते हुए बॉलीवुड फिल्म स्टार एजाज खान ने उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों के तसल्लुत से नजात दिलाने में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम के ज़रिए मुलगीर सतह पर जो मुहिम में हिस्सा लेते हुए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपना मरकज़ी किरदार निभाया था। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौमी यकजहती इतिहाद प्यार और मोहब्बत के ज़रिए अंग्रेज़ों की फूट डालो और हुकूमत करो की साजिश को नाकाम बनाया था। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम अबनाए वतन को इतिहाद का सबक दिया। CAA के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि आज फिर दोबारा वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतिहाद की ज़रूरत है, जबकि उन्होंने कहा कि मिल्लत की रहनुमाई के लिए हमारे पास कुरान मौजूद है, हम कुरान से ही रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है। जबकि सदर ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन शेख रहमत अली ने भी मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे असलाफ मुजाहिद आज़ादी की तारीखी कारनामों को याद रखने की ज़रूरत नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि इस बात पर इजहार तासफ किया कि हमारी नई नस्लों को मुजाहिद आज़ादी के कारनामे और खिदमत से वो वाकिफ नहीं है। यही वजह है कि ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद करते हुए नई नस्ल को उनके कारनामों से वाकिफ कराती है। बहरहाल इस जलसे की निज़ामत मुमताज़ जर्नलिस्ट मिस्टर रशीद खान आज़ाद ने की। तो नाज़रीन देखते रहिए ASJ न्यूज़ और कीजिए सब्सक्राइब। इस मौके पर मेहमान खुसूसी फिल्म स्टार एजाज खान ने मुखातिब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर मुस्तफ़ा की ये रिपोर्ट। मैं एक्चुअली सुबह 10 बजे से सूट पहन के आप लोगों का वेट कर रहा था। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। लेकिन किसी सिलसिले में लेट हो गया और हमारे घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो सबके घरों में होती है, उसको उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास। हम सबसे पहले ये कहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो इन्होंने शहीदों के लिए ये कार्यक्रम रखा है, ये बहुत अच्छा काम किया है। और इसी पे बात कहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि एजाज खान हिंदुओं से नफरत करता है और ऐसा मेरे बारे में फैलाते जा रहे हैं बीजेपी के IPCL के बंदे। लेकिन मेरे सारे खास दोस्त जो है मेरे साथ उठते बैठते वाले वो हिंदू हैं और वो जो है वो सनातन धर्म के असली हिंदू है, जो हमसे नफरत नहीं करते। जो RSS के फॉलोअर है वो नफरत करते हैं। तो ये मेरे भाइयों के लिए कि तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम दोनों है इंसान। तो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम दोनों है इंसान। मैं पढ़ लो तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान, और अपने दिल में तो बस एक ही है आह्वान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान।
तो शहीदों की शहादत पे कुछ कहूंगा। पर्दा तो इस जहान से कर जाते हैं, लेकिन हक पे जान देने वाले मरते कहाँ है। पर्दा तो इस जहान से कर जाते हैं, लेकिन हक पे जान देने वाले मरते कहाँ है। बढ़ पढ़ के चूम लेते हैं जामे शहादत, ईमान वाले मौत से डरते कहाँ है। आप लोगों का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अल्फाज आप तक तो पहुंचते हुए मेरी मोहब्बत आप तक पहुंचती होगी। आज वक्त ऐसा है कि मैं एयरपोर्ट यहाँ से निकल रहा हूँ और भाई लगे हुए तो मेहनत कर रहे बहुत अच्छा काम कर रहे अपने खान साहब और जितने भी यहाँ पे सब भाई लोग हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी है भाई, इधर लेडी के सामने से अटल जी भाई, भाई इधर अटल जी भैया जी निकला जी भैया। हैदराबाद में शाहीन बाग नहीं लगा, हमें बहुत दुख हुआ। यहाँ परमिशन नहीं मिल रहा ऐसा हमने सुना, परमिशन मिलनी चाहिए थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस पे पहल करना चाहिए था और लेना चाहिए था। और ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से इस साल भी श्रद्धांजलि और अवार्ड का फंक्शन। इस अवार्ड का खुशियाँ ये थी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो एक बहुत ही नामी सहाफ़ी थे, उन्होंने अपने अखबार अल हिलाल के ज़रिए आज़ादी में बहुत काम किया, उनके नाम पर यह अवार्ड था। मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में हैदराबाद ये पहला मुकाम है और ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ये पहली एसोसिएशन है। और क्राइम टुडे के चीफ रहमत अली साहब पहले सहाफ़ी है जिन्होंने उनका नाम को एक बड़े तौर पे इस्तेमाल किया। और ये अवार्ड एक यादगार अवार्ड है। जिन लोगों को भी अवार्ड मिला, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो जहदकार हो, चाहे वो समाजी काम करने वाले हो, उनसे मेरी अपील है कि वो मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी को एक मशाल राह के तौर पर देखें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हिंदुस्तान की कौमी एकजहती के लिए वक्फ कर दिया था। और साफियों से भी मेरी अपील है, नौजवान साफियों से ख़ास तौर पे, वो अपने अहले अयाल को भी देखें, लेकिन उसमें से कम 25% मजलूमों की आवाज़ बने, गरीबों की आवाज़ बने, बेकसों की आवाज़ बने। क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी तो वही है कि हम जो जो गरीबों की और मजबूरों की आवाज़ को उठाएं, उनकी आवाज़ को सरकार के आला एवानों तक पहुंचाएं, और जो मजबूर है, जो बेकस है, उसकी नज़र हमेशा आज मीडिया पर है। और हिंदुस्तान जहां पे सारी आवाम सड़कों पर निकल आई है, उसकी वजह यह भी है कि बाराने मीडिया बिक चुका है, गोदी मीडिया बन गया है। मजलूम परेशान है कि वो कहाँ जाए, सरकार उनकी नहीं सुन रही है, कोई नहीं सुन रही है। तो मेरी नौजवानों से सहाफ़ियों से अपील है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से निभाए। सहाफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है, मीडिया एक बहुत बड़ा मुकाम है, ये उनकी ज़िम्मेदारी को समझे, क्योंकि ये काम में खिदमत खल्क का मुकाम है। इसमें दीन और दुनिया ऊपर वाले की रज़ा भी मिलती है, इसका अजर आपको आपके अहलाल को मिलेगा। आप इस काम को दयानतदारी से सदक़े दिल से आप अंजाम दें। और जिस तरह आज हैदराबाद में पूरे हिंदुस्तान में मीडिया बुक चुका है, चाराने मीडिया काम कर रहा है, हैदराबाद में भी मैं एक सहाफ़ी का नाम खासतौर पे लूँगा जो रोज़ाना 12 घंटे मजलूमों की आवाज़ बन के उठ रहा है, मजलूमों की आवाज़ को सरकार के आह्वानों तक। जब सारे मीडिया, जब कोई अहदेदार नहीं सुनता है, तो वो फ़ोन करता है सीधा क्राइम टुडे को, चीफ को, रहमत अली साहब को, कि ये मेरी अर्ज़गुज़ार है कि आप उठाइए, ये मेरी कोई नहीं सुन रहा है। और ये शख्स अपना नुकसान को देखे बगैर, किसी ख़तरे को देखे बगैर, सामने कोई दबंग हो, मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो, उसको नज़रअंदाज करते हुए उस मजलूम की आवाज़ को हर रोज़ 12 घंटे उठा रहा है। हालांकि वो अपने महदूद ज़रायों के ज़रिए, अगर वो चाहते तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके ख़दमों में था सरमाया, लेकिन उन्होंने उसको धुतकार के मजलूमों की आवाज़ बनकर आ जाए हैं। मैं उनके खिदमत को खराज तहसीन में पेश करता हूं। और हर साल ये उनकी कोशिश है कि कई जहदकारों को, समाजी
کارکنوں کو، صحافیوں کو وہ ایوارڈ کے مستحق منا کے ایوارڈ دیتے ہیں، تو سارے لوگوں کو چاہیے کہ رحمت علی کا نام، ٹوین سٹیز کا نام، کرائم ٹوڈے کا نام کو اپنے مد نظر رکھے اور ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کے خدمات کے ساتھ ان کے نقشہ قدم پر چلے۔ اتنا کہتے ہوئے میں جو لوگ بھی اس اجلاس میں، اس پروگرام میں جو لوگ آئے، جتنے لوگ آئے، خواتین و حضرات سارے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور منتظمین کا، جو نوجوان بچے ہیں، بڑے لوگ ہیں، سارے لوگوں کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کا پروگرام کامیاب پروگرام تھا۔ جس کے پہلے کا پروگرام کنہیا کمار کا تھا، سارے حیدرآباد میں ان پہ بائنڈ ہے، کہیں ان کو پروگرام ہونے نہیں دیتے، لیکن یہی منچ تھا، کنہیا کمار کو بلایا گیا اور یہیں سے وہ اپنا پیغام دیے۔ ٹوین سٹی الیکٹرانک میڈیا اور شیخ رحمت علی اور دیگر لوگوں کے یہ کارنامے ہے، میں یہ کہتے ہوئے سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پر منتظمین، الیکٹریشن اور فضل بھائی، شکیل بھائی، سارے لوگوں کا ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔